असलम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दें जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ पूरी की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप ड्राइवर हैं या आप ड्राइविंग करते हैं तमाम लोगों के लिए जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाता है तमाम लोगों के लिए यह खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नई जानकारी जो है वो सामने आई है बताया गया है कि अगर सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो जाम के दौरान आपको चार नियमों का पालन करना होगा यानी चार रूल्स को फॉलो करना होगा अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस पर आपको जुर्माना किया जाएगा सबसे पहले बताया गया है कि ट्रैफिक जाम के दौरान एक लाइन से दूसरे लाइन में आप नहीं जा सकते हैं जिस वक्त ट्रैफिक जाम लगा हो एक लाइन से दूसरे लाइन में आपको जाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है इसके साथ ही आगे बताया गया है कि एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच दूरी जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए इसके साथ ही आगे बताया गया है कि बिना वजह आप हारन नहीं बजा सकते हैं और आगे बताया ये गया है कि आप कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर सकते हैं तो इन चार नियमों को आपको फॉलो करना होगा जो लोग सऊदी अरबिया के अंदर गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर हैं तो आपको इन नियमों को फॉलो करना बेहद जरूरी है इसके साथ ही इस दोस्तों लिए अपडेट यह है कि सऊदी हज और उमरा मिनिस्ट्री ने कहा है कि उमरा करने वालों को निर्धारित समय से कम से कम छः घंटे पहले सऊदी अरब पहुंचना होगा अगर फ्लाइट में छः घंटे की देरी होती है तो ऐसे में ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उम्र बुकिंग कैंसिल हो जाएगी मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि अगर उम्र परमिट जारी होने के बाद भी उम्रा करने वाले देश के अंदर से मक्का नहीं पहुंच सकते हैं तो उम्र परमिट समाप्त तो होते ही नई बुकिंग की अनुमति दी जाएगी यानी यहां बताया यह गया है कि जो लोग बाहर देशों से सऊदी रबिया उम्रा करने के लिए आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो उम्र परमिट जारी किया जाता है जो समय बताया जाता है उससे कम से कम छः घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी होगा अगर वो नहीं पहुंचते हैं अगर उनका जो उम्र परमिट है वो कैंसिल हो जाता है तो ऐसी सूरत में उनको दोबारा से उम्र की बुकिंग करनी होगी और फिर जाकर उम्र कर सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें कि पहले उम्र का जो वीज़ा होता था वो एक महीने के लिए जारी किया जाता था लेकिन अब इसको बढ़ाकर तीन महीने तक कर दिया गया है साथ डेट यह है कि सऊदी अधिकारियों ने जद्दा और नजरान रीजन में नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करते हुए सऊदी शहरियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि तकरीबन एक लाख साठ हजार नशीली गोलियां हसीस और भी जो ड्रग्स वगैरह है वो जब्त तो किया गया है बताया ये गया है कि इस कार्रवाई के दौरान सऊदी शहरी सीरियाई शहरी इथोपियाई शहरी में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्कर के लिए सऊदी ऑफ ह्यूमन सोश की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि अगर सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर की तबीयत खराब होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक छुट्टी जो है वो ले सकता है जबकि यहाँ बताया ये गया है कि अगर उसकी इंजरी हो जाती है काम के दौरान यानी काम के दौरान बंदा चोटिल हो जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी हैं तो बताया गया है कि इस सूरत में वो एक साल तक छुट्टी जो है वो ले सकता है जैसे तो अगर तबीयत खराब होती है ज़्यादा आपकी तबीयत खराब है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं लेकिन अगर आप काम के दौरान अनफिट हो जाते हैं न्यूज़ संभालने की आपको इंजरी हो जाती है आप चुट्टी ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है एक साल तक छुट्टी जो है वो ले सकते हैं यानी आपको रिकवर होने में अगर एक साल लगेगा तो एक साल तक आप छुट्टी जो है ले सकते हैं इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि आप लोगों के साथ कोरोना की जो रिपोर्ट है वो शेयर कर दें काफ़ी टाइम से कोरोना की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की गई तो आज जो रिपोर्ट आई है सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे में 108 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए जबकि एक लोग ठीक हुए हैं और तीन लोगों की मौत भी हुई है सऊदी अरब में इस वक्त जो आईसीयू में केस है उनकी तादाद उनतालीस है दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट इंपोर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी तजा तरीन अपडेट तजा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ रखें अपना ख्याल खुदा